नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। राकेश वशिष्ठ या फिर राकेश बापट, आपको याद होगा तुम बिन का एक क्यूट सा लड़का। आज राकेश टीवी पर भी एक सफल एक्टर हैं। आइए आपको बताते हैं राकेश से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। राकेश बापट एक भारतीय एक्टर हैं। राकेश ने बॉलीवुड में पहली बार 2001 में फिल्म तुम बिन में नजर आए और फिर इसके बाद दिल विल प्यार व्यार जैसी कई फिल्मों में काम किया। ये पहली बार धारावाहिक में 7 फेरे से आए। इन्होंने मर्यादा लेकिन कब तक में आदित्य का किरदार निभाया। इसके अलावा होंगे जुदा ना हम में रोहन शर्मा और 7 में श्लोक का किरदार भी निभा चुके हैं। 1 सितंबर 1978 को मुंबई में जन्मे राकेश एक्टर और मॉडल भी हैं। आपको बता दें कि राकेश जिन्होंने अपने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। राकेश 1999 ग्रेसिंग मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में रनर अप भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत तुम बिन मूवी से की थी। इसके बाद उन्होंने कई मूवीज में काम किया जैसे दिल विल प्यार व्यार, कुछ दिल ने कहा, कौन है जो सपनों में आया, नाम गुम जाएगा, जादू सा चल गया, हीरोइन आदि। उन्होंने कई मराठी मूवीज में भी काम किया और ये एक मराठी एक्टर भी हैं। आपको बता दें कि ये रियलिटी शो नच बलिए में भी नजर आ चुके हैं। इसी के साथ ही ये कई टीवी शो होस्ट भी कर चुके हैं। राकेश के इंस्टा पर बहुत से फॉलोवर्स हैं और अक्सर ही इंस्टा पर वो एक्टिव पाए जाते हैं और अपनी कई हॉट और डैशिंग तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं। टीवी की दुनिया में ऐसे कई सितारे हैं जिनके प्यार की कहानी को हर कोई जानना चाहता है। ऐसा ही एक प्यारा कपल है जो टीवी की दुनिया का सबसे चहेता कपल रहा। ये कपल कोई और नहीं बल्कि राकेश वशिष्ठ और रिधि डोगरा है। राकेश और रिधि डोगरा टीवी के सबसे क्यूट कपल हैं। दोनों को ही टीवी के बेस्ट कपल्स की लिस्ट में शुमार किया जाता है। राकेश और रिधि की जोड़ी स्टार प्लस के शो मर्यादा लेकिन कब तक के सेट पर मिले थे, जहां इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। इनकी जोड़ी को टीवी की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से माना जाता है। राकेश और रिधि की जोड़ी पर्दे पर खूब पसंद की जाती है। दोनों के प्यार की कहानी भी बेहद खास है। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये दोनों एक हुए। राकेश फिल्म एक्टर रहे हैं, उन्होंने तुम बिन जैसी फिल्मों में काम किया है। राकेश और रिधि की मुलाकात सीरियल मर्यादा लेकिन कब तक के सेट पर हुई थी। रिधि श्यामक डावक की एकेडमिक क्लास का हिस्सा रही थी। इन दोनों की मुलाकात बेहद ही कैजुअल थी। मर्यादा में रिधि प्रिया के रोल में राकेश के ऑपोजिट नजर आई थी। दोनों की पहले दोस्ती हुई जिसके बाद दोनों में धीरे धीरे प्यार हुआ। दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बताते थे लेकिन बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों हमेशा ही कहते हैं कि दोनों लवर से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं। रिधि राकेश को तो राकेश रिधि को बेहद लकी मानते हैं। राकेश कहते हैं कि रिधि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है, वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो वही रिधि कहती हैं कि अगर राकेश उनकी लाइफ में नहीं आए होते तो वो शायद कभी शादी नहीं कर पाती। मर्यादा शो में दोनों आदित्य और प्रिया बनकर दर्शकों के दिलों पर छा गए थे और दर्शकों ने इन्हें बहुत पसंद किया। दोनों ने नच बलिए 6 में भी पार्टिसिपेट किया था। आपको बता दें कि 29 मई 2011 में ही इन्होंने शादी कर ली। दोनों की शादी बेहद खास रही, इस शादी के बेहद चर्चे भी रहे। राकेश और रिधि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं और लगातार इंस्टा पर फोटोज शेयर करते रहते हैं। राकेश एक्टिंग में आने से पहले एक बेहतरीन मॉडल हुआ करते थे। वो एड्स में भी काम करते थे। एड्स के जरिए ही उन्होंने फिल्मों का सफर तय किया। आपको जानकर हैरानी होगी, राकेश एक बेहतरीन पेंटर भी हैं। वो बेहतरीन मूर्तियां भी बनाते हैं। इसके अलावा राकेश को फ्लूट बजाना पसंद है। तो ये है राकेश की अनसुनी कहानियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।